तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज मैं एक ऐसी मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि टर्किश हॉरर मूवी है। देखा जाए तो टर्किश हॉरर मूवी बहुत ही डिस्गस्टिंग और उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक रियलिटी हो। मैंने अपने चैनल की शुरुआत टर्किश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने से ही की थी, जिसका आप लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि टर्किश हॉरर मूवी ऐसी मूवीज होती है जो कि ब्लैक मैजिक के ऊपर बनी होती है और ऑलमोस्ट सभी मूवी रियल सीनियर पर बेस्ड होती है। तो आइए देखते हैं इस मूवी में क्या हुआ। ये कहानी शुरू होती है कुछ अजीब से विजन और एक विच को दिखाते हुए जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी और हमें आसपास के लोगों के दर्द में चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। सीन यह प्रकट होता है और उसके बाद हमें 1997 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस्तांबुल के बारस विलेज में कमल नाम का एक आदमी रहता था। लेकिन इस समय कमल किसी चीज को लेकर बहुत डरा हुआ था और वो बार बार बोले जा रहा था उसने अपने भाई के साथ में ये अच्छा नहीं किया। भगवान के पास में उसकी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये सब खत्म करना होगा बाकी लोगों की भलाई के लिए। उस समय कमल अपने भाई हसन की शादी के समय को याद करता है और गुस्से में हसन और उसकी वाइफ खलीजा के फोटो को फाड़ देता है। तभी कमाल को उससे विच की बात याद आती है जो कि कमाल को बोल रही थी कि हसन के मरने के बाद में उसकी वाइफ तुम्हारी हो जाएगी और तब उसे जिन्ने को एक सेक्रीफाइस देना होगा। तभी अचानक रूम की लाइट चली जाती है और कमाल के भाई हसन का गोस्ट आकर उसे डराता है। हसन का गोस्ट उसे बोल रहा था कि वो मेरा है। अब इसका क्या मतलब है ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। सीन अगेन कट होता है और इसके बाद में कमाल अपने बेटे सली को जंगल में लेकर जाता है। जाने से पहले वो एक बार खलीजा को देखता है जो इस समय प्रेग्नेंट थी और अपने रूम में सो रही थी। जंगल के एक पेड़ पर कमाल ने पहले से एक फांसी का फंदा लगाकर रखा हुआ था और वो यहाँ पर अपने बेटे सली को जीने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए लाया था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार उसे जिन्न और घोस्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी। डर के मारे वो सली का गला दबाने लगता है। साथ ही वो खलीजा को याद करके उससे माफी भी मांग रहा था और बोल रहा था कि कर्ज खत्म होने के बाद में हम अपने दूसरे बच्चे के साथ में बहुत खुश रहेंगे। इस दौरान दम घुटने से सली की मौत हो जाती है और जब तक कमाल अपनी गलती रियलाइज करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमाल को समझ में नहीं आता है कि वो अब खलीजा को उसके बेटे की मौत के बारे में क्या जवाब देगा। ऊपर से वो खुद भी बहुत गिल्ट में था, तो इसलिए कमाल खुद फांसी लगाकर अपनी जान ले लेता है। इधर खलीजा को जब अपने हस्बैंड कमाल और अपने बेटे सली की मौत के बारे में पता चलता है तब वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और इसी के साथ में सीन यहीं पर कट होता है। सीन 2022 इस्तांबुल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम दामला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान थी क्योंकि कुछ महीनों से उसे अजीब अजीब विजन और डरावने सपने आ रहे थे। वो डॉक्टर के पास भी गई थी लेकिन डॉक्टर से उसे कोई फायदा नहीं मिला था। एक दिन उसकी फ्रेंड इब्रू उसे एक ओझा के बारे में बताती है जो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते थे। दामला तो इतनी टेंशन में थी कि वो उसी ओझा के पास जाने के बारे में सोच लेती है। फिर अपने फ्रेंड से मिलने के बाद में जब वो वापस अपने घर पर जा रही थी तो बिल्डिंग की लिफ्ट में नॉक करने की उसे आवाज़ सुनाई देती है। अचानक लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है और वहाँ की लाइट भी ऑफ हो जाती है। जब वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती है तो उसे सली का गोस्ट हॉन्ट करता है, पर जब लाइट वापस आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। इस इंसिडेंट के बाद में दामला डर के मारे रोने लगती है। ऊपर से आजकल दामला और उसके बॉयफ्रेंड जिम के बीच में झगड़ा भी हो रहा था क्योंकि जिम उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा था। उसे लगता था कि दामला को कोई मेंटल प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। इन सबसे परेशान होकर दामला अगले दिन उसी ओझा के पास में जाती है जिसे वो अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। दामला की प्रॉब्लम सुनने के बाद में ओझा अपनी माँ को दामला के सामने लेकर आता है और उसकी आंखों में दामला को देखने को कहता है। कुछ देर तक उनकी आंखों में देखने पर दामला को वहाँ पर एक जीना नजर आता है जिससे वो बहुत डर जाती है। अब यहाँ पर ओझा की माँ व्हीलचेयर पर थी और किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उसके पास में कुछ ऐसी पावर थी उस पर्सन की प्रॉब्लम को सामने ला सकती थी। अब दामला का रिएक्शन देखने के बाद में ओझा उसे उन इविल चीज़ों से डरने को मना करता है क्योंकि उसके डर की वजह से वो इविल और ज़्यादा पावरफुल होगा। ओझा के मुताबिक कोई उसके लिए प्रेयर कर रहा है, लेकिन अब उन प्रेयर का पावर खत्म हो रहा है जो उसे उस इविल चीज से नहीं बचा सकता है। तो अब अगर दामला को एक नॉर्मल लाइफ जीना है तो उसे पता लगाना होगा कि इविल उसके पीछे क्यों पड़ा है और वो उसे क्या चाहता है और वो इविल उससे क्या चाहती है। जो भी हो, दामला को डर कर अपनी आँखें बंद नहीं करना है, नहीं तो उसे सच का पता नहीं चल पाएगा। उसी रात को दामला को सपना आता है कि सली का गोस्ट ओझा की माँ के कानों में कुछ बोल रहा है। इस सपने से डरकर दामला अपनी नींद से उठती है और बारस विलेज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। इस गांव का विजन बार बार दामला को आ रहा था,
यहाँ पर हमें दामला के हाथों पर एक मार्क भी दिखाई देता है और ये मार्क उसके हाथों पर कैसे आया ये दामला को भी नहीं पता था। अब अगले दिन दामला का बॉयफ्रेंड जिम किसी काम के लिए दूसरे शहर में जा रहा था और वो अब एक हफ्ते तक बाहर ही रहेगा। वो दामला को अपने साथ में ले जाना चाहता था लेकिन दामला इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो किसी भी ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर के बाद में दामला को इब्रू का कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि ओजा की माँ कल रात को ही मर चुकी है और मरने से पहले उसने बोला था कि दामला को बारसगांव जाना होगा। किसी रीजन से ओजा बहुत ही डरा हुआ था और दामला से दूर रहना चाहता था तो इसलिए उसने इब्रू को कॉल करके सारी बातें बताई थी। इसके बाद में दामला बारसगांव की लोकेशन को देखती है। वहाँ पर वो वेसल से मिलती है जो कि गाँव में आए विजिटर को रूम प्रोवाइड कराता था। वो दामला को भी रहने के लिए एक रूम देता है लेकिन किसी रीजन की वजह से वो दामला को फर्स्ट फ्लोर पर जाने से मना करता है। दामला भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है लेकिन उसे एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि उस गांव में वेसल की फैमिली के अलावा बस एक दो लोग ही थे। वेसल के मुताबिक उनके गांव में कुछ काम ही नहीं है तो इसलिए सभी लोग जॉब ढूंढने के लिए सिटी में जाकर रहने लगे हैं। वे लोग बस साल में एक बार फैमिली मेम्बर के ग्रेव को विजिट करने के लिए इस गाँव में आते हैं। यहाँ पर हम वेसल की माँ हनीफा को देखते हैं जो कि छोटी छोटी बातों से काफ़ी ज़्यादा डर जाया करती थी। घर में अगर कुछ सामान गिरता भी था तो उससे भी डर जाती थी। दूसरी तरफ वेसल के मना करने के बाद भी दामला फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहाँ पर बहुत ही सारा सामान स्टोर किया हुआ था। एक पल के लिए दामला को लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। वो पर्दे को हटाने वाली थी कि तभी उसे जिम का कॉल आता है। इस गाँव में आने की बात दामला ने जिम को नहीं बताई थी। ऊपर से वो उसे झूठ बोलती है कि वो इब्रू के साथ में है और उसी के घर पर एक हफ्ते के लिए रुकेगी। तो वहीं पर हम खलीजा को एक अबेंडेंट घर पर देखते हैं। अब खलीजा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसे उसके भाई हेटिस ने चेन से बांध कर रखा हुआ था। हेटिस खलीजा को एक आईने में उसका फेस दिखाकर कहता है कि वो यही डिजर्व करती है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, उसी ने सबकी जान ली है और उसकी गलती को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। उस रूम के हर तरफ हेटिस ने उनकी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो लगाई हुई थी ताकि खलीजा उन फोटो को देखकर हमेशा गिल्ट में रहे क्योंकि उन फैमिली मेंबर की अब मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ दामला को खलीजा की मरी हुई फैमिली के मेंबर के घोस्ट हॉन्ट करते हैं जिससे डर के मारे वो घर से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ भागती है। उसे बार बार डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और भागते भागते उसे एक अबेंडेंट घर दिखाई देता है जिसके सामने एक स्केयरक्रो था और वहाँ से थोड़ा आगे आने पर एक जिन उसके सामने होता है। लेकिन ये बस दामला का एक डरावना सपना ही था जिससे डरकर वो अपनी नींद से उठ जाती है। अगले दिन वो विसल से उसी स्केयरक्रो और उस अबेंडेंट घर के बारे में पूछती है। तब विसल उसे वहाँ पर जाने से मना करता है। उसके मुताबिक वहाँ पर जंगली कुत्ते हैं जिससे दामला को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद में दामला उसी जगह को देखने के लिए जाती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसने अपने सपने में जैसा देखा था वहाँ पर वैसा ही स्केयरक्रो और वो अबेंडेंट घर मौजूद था। दामला वहीं पर वीडियो बनाने लगती है कि तभी उसके सामने वही विच आ जाती है जिससे हमने ब्लैक मैजिक करते हुए देखा था। वो दामला को वहाँ से चले जाने को कह रही थी। साथ ही वो विच ये बोल रही थी कि सेक्रीफाइस अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जिन को जो चीज़ चाहिए वो उस चीज़ को हासिल करके ही रहेगा। एक पल के लिए दामला जब दूसरी तरफ देखती है तो विच वहाँ से चली जाती है। उसी समय दामला को वहाँ पर देख कर हैतीस उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे उस गाँव में आने का कारण पूछता है लेकिन दामला हैतीस को झूठ बोल देती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो इस गांव में एक स्टोरी लिखने के लिए आई है। उसकी बातें सुनकर हैतीस दामला को अपने रूम में रहने को कहता है। वो गांव में इधर उधर घूमने से मना करता है। उसके मुताबिक इस तरह दामला खतरे में पड़ सकती है। उसकी बातें सुनकर बिना कुछ बोले दामला वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में रात को जब दामला उस वीडियो को देख रही थी तो उसे वो विच वीडियो में नजर नहीं आती है लेकिन उसे अच्छे से याद था कि उसने उस विच की वीडियो बनाई थी और ये बात दामला को बहुत ही अजीब लगती है। दूसरी तरफ खलीजा अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर रो रही थी। तभी हैतीस खाना लेकर उसके पास में आता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि हैतीस उसे एक बार उसकी बेटी की ग्रेव देखने के लिए दे लेकिन हैतीस उसे मना कर देता है और उसे मरते दम तक अपने पापों की सजा भुगतने को बोलता है। यहाँ पर दामला को फर्स्ट फ्लोर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब ऊपर जाती है तो वहाँ से खलीजा की पुरानी फ़ोटो उसे दिखाई देती है जब खलीजा बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। उसी समय पास के रूम से उसे किसी की आवाज़ें भी सुनाई देती है। जब वो रूम का डोर खोलती है तो कोई घोस्ट उसका हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर खींच लेता है और वहाँ पर खलीजा की डेड फैमिली उसे हॉन्ट करने के लिए आ जाती है। वहीं पर उसे खलीजा की फैमिली फ़ोटो मिलती है जिसे वो अपने पास में रख लेती है। फिर अगले दिन दामला उसी फ़ोटो के बारे में विसल से पूछती है। विसल से उसे पता चलता है कि खलीजा के अलावा
उस फोटो का कोई भी फैमिली मेंबर जिंदा नहीं है। खलीजा विसल की आंट है और विसल की माँ हनीफे और खलीजा दोनों बहनें थी। खलीजा और कमाल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन खलीजा की शादी कमाल के बड़े भाई हसन से हो गई थी, तो इसलिए खलीजा ने ब्लैक मैजिक करके जिन के हाथों हसन को मरवा डाला, जिसके बारे में फैमिली रूल के हिसाब से खलीजा की शादी कमाल से हो गई। लेकिन धीरे धीरे कमाल पागल होता चला गया, यहाँ तक कि उसने खलीजा को दो बार मारने की भी कोशिश की थी। एक एक करके गांव के बहुत सारे लोग मरने लगे और खलीजा के इन लॉस की पूरी फैमिली ही मारी गई, और आखिर में कमाल ने अपने बेटे सली को मारकर खुद की भी जान ले ली, जिसे मूवी के पहले सीन में देख चुके हैं। फिर जब खलीजा को एक बेटी हुई तो बीमारी के कारण मारी गई और एक दिन वो भी कहीं पर गायब हो गई। अब ये बातें विसल को उसकी माँ हनीफा ने बताई थी। विसल को तो ये बात पता ही नहीं थी कि उसके मामा हतीस ने खलीजा को अभी भी अपने कैद में रखा हुआ है। इन्हीं सब रीजन की वजह से हतीस खलीजा को सजा दे रहा है। अब ये सभी बातें सुनकर दामला हतीस से इस बारे में बात करने के लिए जाती है, लेकिन हतीस इस बारे में दामला से कोई भी बातें नहीं करना चाहता था और उसे उसके फैमिली मैटर से दूर रहने की धमकी देता है। यहाँ पर हतीस की वाइफ फातिमा दामला से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हतीस के डर की वजह से वो उसे बातें नहीं करती है। दूसरी तरफ खलीजा को सली, कमाल और हसन के घोस्ट हॉन्ट कर रहे थे और ऐसा उसके साथ में सालों से हो रहा था, तो इसलिए खलीजा की मेंटल हालत अभी तक ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ पर फातिमा हतीस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बहन खलीजा को छोड़ दे। वो उसकी बहन है, लेकिन हतीस मरते दम तक खलीजा को माफ नहीं करना चाहता था। उसी समय वैसल घर आता है, जिससे हतीस थप्पड़ मारता है। वो उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने दामला को उनकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताया था। साथ ही हतीस उसे धमकी देता है कि अगर उसने कभी भी उसकी फैमिली की कोई भी बात बाहर के पर्सन को बताई तो उसे जान से मार डालेगा। अपने मामा हतीस से मार खाने के बाद में विसल बहुत ही हर्ट हुआ था। तब उसकी माँ हनीफा से समझाती है कि उसके मामा उसे प्यार करते हैं, तो इसलिए वो उनकी बातों का बुरा ना माने। विसल को तो ये अफसोस था कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो आज कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। इधर खलीजा की बहुत रिक्वेस्ट करने पर हतीस उसे उसके बच्चों के ग्रेव तक लाता है, जिसे देखकर खलीजा बहुत ही रोती है और अपने भाई हतीस से बोलती है कि उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, इससे ज्यादा उसके लिए क्या सजा होगी। और फिर जब वहां से हतीस अपने घर पर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक से वो खुद को एक गहरे ग्रेव में पाता है, जहाँ पर हर तरफ इंसानों की हड्डियां और स्कल पड़े हुए थे। वो उस ग्रेव से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि बाहर एक जिन उसी की तरफ देख रहा था, और धीरे धीरे वो जिन उस ग्रेव के पास में आ रहा था। अचानक वो जिन ग्रेव के अंदर आकर हतीस को हॉन्ट करता है, लेकिन ये सब हतीस का एक हेलुसिनेशन था, रियलिटी में तो वो सड़क पर ही बैठा हुआ था। तो वहीं पर हनीफे को फिर से विचेस, जिन, ब्लैक मैजिक और बहुत ही डरावने सपने आ रहे थे। डरकर वो अपनी नींद से उठती है और भगवान का नाम लेने लगती है। ये लोग लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर लेते हैं और फिर उनसे उनकी इंसानियत छीनने के लिए उन्हें इंसानों की लाश खाने का हुक्म दे देते हैं। कहना क्या चाहते हो कि वो लोग नरक की जेल से भागकर यहां आए? सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे लोकल क्रिएटर द्वारा बनाई गई मूवीज़ को भी ज़रूर देखें। आज की हमारी इस मूवी का नाम है दामोरी। ये मूवी आपको YouTube पर मिल जाएगी, जिसका IPS प्रोडक्शन ने बनाया है। दामोरी मूवी बहुत हद तक टर्किश हॉरर मूवी जैसा फील देती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे लिंक पर क्लिक ज़रूर करना और दामोरी मूवी को ज़रूर देखना।
तो चलिए आइए अब वीडियो में वापस आते हैं। दूसरी तरफ दामला फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उस पर्दे को हटाती है जो उसने पिछली रात को देखा था, और वहां पर वो देखती है कि वहां की वुडन वॉल ह्यूमन की तरह सांस ले रही थी। ये सब देखकर वो डर के मारे स्टेयर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब अगले दिन विसल को वो बेहोश हालत में मिलती है तो फातिमा को वहां पर लाता है क्योंकि वो एक नर्स थी। लेकिन चेकअप के बाद जब फातिमा दामला के हाथों पर वो बर्थमार्क देखती है तो डर कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हनीफे उसे विच से मिलने के लिए आती है। हनीफे को देखकर वो विच उस पर बहुत ही गुस्सा थी। विच का ये कहना था कि विलेज में कर्स हनीफे की वजह से ही आया है, वो सेक्रीफाइस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तब हनीफे भी विच से कहती है कि जितनी गलती उसकी है उतनी गलती उसकी भी है और भगवान उसे भी माफ नहीं करेगा। तो वहीं पर फातिमा दामला का बर्थमार्क देखकर अभी भी बहुत ही परेशान थी। तभी उसके सामने खलीजा और हतीश पजेस हालत में आते हैं, और हतीश अपने हाथों से बहुत ही ब्रिटली फातिमा की जवान निकाल लेता है और कहता है कि अब वो किसी को भी सच नहीं बता पाएगी। लेकिन ये बस फातिमा का एक हेलुसिनेशन था और रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इधर दामला अपने बॉयफ्रेंड जिम को कॉल करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो उसे इन सबको लेकर परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो फोन को साइड में रख देती है। तभी उसका फोन बेड से नीचे गिर जाता है, और जब वो फोन को उठाने ही वाली थी तो उसे बेड के नीचे से सामने के रूम में सली का घोस्ट नजर आता है, और वो उसे बस बेड के नीचे से देखने पर ही नजर आ रहा था। अचानक से उसके सामने कमाल और सली का वही पास्ट इंसिडेंट याद आता है जब कमाल ने गला घोटकर सली की जान ली थी। तभी अचानक उस घर के डोर पर कोई नॉक करता है, और तब दामला के सामने वहां का माहौल नॉर्मल हो जाता है। वो डोर को खोलती है तो वहां पर फातिमा थी जो उसे उस गांव से जल्दी दूर चले जाने को कह रही थी। दामला के बहुत ही पूछने पर भी फातिमा उसे कुछ नहीं कहती है और वहां से चली जाती है। दामला को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या राज है जो कि गांव के लोग उससे छुपा रहे हैं, और उसका आखिर इस गांव से क्या कनेक्शन है। यहाँ पर हनीफे के पास में विसल आता है जो उसे अपने पिता की फोटो दिखाकर पूछता है कि सिद्धार्थ उसके रियल फादर है या नहीं, क्योंकि उसे ये शक है कि सिद्धार्थ उसका असली पिता नहीं है। लेकिन ये बस हनीफे का एक सपना था, पर इस सपने से वो बहुत ही डर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा राज हनीफे ही सबसे छुपा रही थी। अब इधर वेसल अपने रूम में अपने पेरेंट की फोटो देख रहा था। उसी समय एक जीन उसके सामने आता है और उसे जान से मार डालता है। कुछ देर के बाद में हनीफे जब उसके रूम में आती है तो विसल उसे बहुत ही भयानक रूप में मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद में हनीफे तुरंत अपने भाई जिसके बाद में हनीफे हेटिस के घर पर अपना सबसे बड़ा राज बताने के लिए जाती है। हनीफे की बातों से पता चलता है कि विलेज में ब्लैक मैजिक का काला साया लाने वाली खलीजा नहीं बल्कि हनीफे थी। सालों पहले हनीफे और हसन का अफेयर चल रहा था। हनीफे तो हसन से बहुत ही सीरियसली प्यार करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन हसन ने उनके रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा और वो बस अपने सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए हनीफे को यूज कर रहा था। यहाँ पर हनीफे और खलीजा सिस्टर थी और कमाल और हसन भाई थे, लेकिन कमाल और खलीजा एक दूसरे से प्यार करते थे, पर खलीजा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हसन की भी नजर उसके ऊपर थी। ऊपर से वो घर का बड़ा बेटा था, इसलिए हसन के एक बार कहने पर ही उसकी शादी खलीजा से हो गई थी। खलीजा को हसन और हनीफे के अफेयर के बारे में पहले से पता था। वो तो बहुत ही खुश भी थी कि दोनों सिस्टर एक ही घर में शादी करेंगे, लेकिन जब उसकी और हसन की शादी की बात चली तो अपने घर वालों को मना भी नहीं कर पाई। वैसे भी उस समय पर शादी के लिए लड़कियों का डिसीजन कोई मायने नहीं रखता था। हसन और खलीजा की शादी से कमल बहुत ही टूट चुका था, और उधर हसन के धोखे से हनीफे के अंदर गुस्सा भर चुका था। वो बस हसन से बदला लेना चाहती थी। इस बारे में वो कमाल से बात करती है। पहले तो कमाल किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो अपने प्यार को अपने भाई का होता हुआ नहीं देख पा रहा था, तो इसीलिए हनीफे के कहने पर वे दोनों उस विच के पास में मदद के लिए जाते हैं। विच एक ब्लैक मैजिक करके एक जिन्न को बुलाती है जो कि हसन को बहुत ही ब्रुटली तरीके से मार डालता है, जिसके बदले में फैमिली रूल के हिसाब से हनीफे की शादी कमाल से हो जाती है और कमाल को उसका प्यार मिल जाता है और हनीफे का बदला भी पूरा हो जाता है। उस समय हनीफे हसन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए उसकी शादी सैदत से हो गई थी। मतलब कि वेसल का शक सही था, वो सैदत का नहीं बल्कि हसन का बेटा था। लेकिन इन सब कामों के लिए जिन को सेक्रीफाइस देना जरूरी था, जिसके हिसाब से खलीजा का पहला बच्चा जिन को सेक्रीफाइस करना होगा। उनका काम तो हो गया, लेकिन वो सेक्रीफाइस सालों तक पूरा नहीं हुआ था, जिस वजह से एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर और विलेज के लोग जिन के हाथों मारे गए, जिसके बाद में कमाल ने खलीजा के बेटे सली को मार दिया और बाद में गिल्ड की वजह से वो खुद भी मारा गया। अब हनीफे ने तो हसन से अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसे अपनी बहन खलीजा से भी बदला लेना था,
क्योंकि उसने हसन से शादी की थी, तो इसलिए उसने फैमिली में झूठी खबर फैला दी थी कि खलीजा ने ब्लैक मैजिक करके हसन को मरवा दिया ताकि वो कमाल से शादी कर पाए, और उसी ने अपने बेटे सली को चीन को सेक्रीफाइस किया। इसलिए सभी लोग खलीजा को ही ब्लेम कर रहे थे, वो भी उस गलती के लिए जो कि उसने कभी की ही नहीं थी। इसी वजह से हैटिस खलीजा को इतने सालों से सजा भी खलीजा को इतने सालों से सजा दे रहा था। यहाँ पर हनीफे को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सेक्रीफाइस पूरा हो चुका है तो जिन उनके पीछे क्यों पड़ा है। तब फातिमा उनके पास में आती है और बताती है कि सेक्रीफाइस कभी पूरा हुआ ही नहीं था। रिचुअल के हिसाब से काम पूरा होने पर खलीजा और कमाल के पहले बच्चे को सेक्रीफाइस करना होगा, और वही बच्ची थी जो कि बीमारी के कारण मारी गई। और सेक्रीफाइस सली को किया गया था जो कि खलीजा और हसन का बेटा था, और इसीलिए जिन ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। अब जब फातिमा को सच का पता चल चुका था तो वो सब बातें खलीजा को बताने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि खलीजा उस गलती की गिल्ट में जिए जो कि उसने कभी की नहीं थी, लेकिन हैतिस नहीं चाहता था कि खलीजा को सच का पता चले, नहीं तो वो उसकी नजरों में गिर जाएगा, क्योंकि सालों तक दूसरों की बातों का भरोसा करके उसने बेकसूर को सजा दी थी। इसीलिए वो फातिमा को खलीजा के पास जाने से रोकता है, और तब मूवी का सबसे बड़ा राज सबके सामने रिवील होता है। खलीजा की जो बेटी थी वो बीमारी की वजह से नहीं मरी थी। हैतिस खलीजा से इतना गुस्सा था कि उसने उस बच्ची को जिंदा ही दफना कर मारने की कोशिश की थी। तब फातिमा ने उसे रोक दिया और उस बच्ची को उस गांव से दूर छोड़ाई, और बच्ची और कोई नहीं बल्कि दामला ही थी। दामला के हाथों में भी वही मार्क था जो कि उस बच्ची के हाथ में था, तो इसलिए फातिमा दामला के हाथों पर वो मार्क देखकर काफी डर गई थी, क्योंकि उसने दामला के पैदा होने पर वो मार्क देखा था, और ये मार्क जिन्ने की मार्किंग थी ये बताने के लिए कि दामला जिन्ने का सेक्रीफाइस है। दामला को जिन्ने को सेक्रीफाइस करना ही होगा, नहीं तो वो जिन विलेज के सभी लोगों को खत्म कर देगा, और ऐसा हो भी रहा था। अब यहाँ पर हैतिस के बहुत रोकने पर भी फातिमा नहीं रुकती है, और इसलिए हैतिस फातिमा का गला घोटकर उसे भी जान से मार डालता है। अचानक से उसके सामने जिन आता है उसे बताने के लिए कि अगर सेक्रीफाइस में देरी हुई तो वो भी मारा जाएगा। उसी समय कमाल का घोस्ट उसके सामने आता है जो कि उसे एक रस्सी देकर उसे सेक्रीफाइस पूरा करने को कह रहा था। तो वहीं पर हनीफे अपने बेटे विसल की लाश देखकर रो रही थी, तभी वही जिन विसल की डेड बॉडी के अंदर आकर हनीफे को भी मार डालता है। दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद दामला फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, और वहां पर अभी भी वो वुडन वॉल सांस ले रही थी। अचानक से वो वॉल हट जाती है और दामला उस वॉल के पीछे बने रूम की तरफ जाती है। एक एक करके उन रूम का डोर अपने आप खुलता है, और वहां पर पास्ट में हुए सारे इंसिडेंट वो जिन दामला को दिखा रहा था कि कैसे वो पैदा हुई, कैसे उसकी माँ खलीजा पर झूठा इल्जाम लगा, कैसे एक एक करके फैमिली मेंबर मारे गए या उन लोगों ने अपनी जान ले ली, और कैसे उसको उसकी माँ से उसके मामा हतीसे ने छीन लिया। तभी दामला को उसके भाई सली का घोस्ट नजर आता है। दामला उसका पीछा करते हुए अबंडन घर तक आती है। दामला फिर खलीजा को वही बर्थमार्क दिखाकर उसे माँ पुकारती है। उस बर्थमार्क को खलीजा भी पहचान लेती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे ग्रेव के पास में जाकर जमीन को खोदने लगती है, और वहां पर उसकी बेटी की लाश उसे नहीं मिलती है, और तब जाकर उसे यकीन होता है कि उसकी बेटी दामला अभी भी जिंदा है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ही रोते हैं, और खलीजा को सालों बाद खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि हैतिस वहां पर अपना सेक्रीफाइस पूरा करने के लिए आ गया था, जो कि उसी फांसी के फंदे को दामला के गले में डालता है और वो उसे एक पेड़ पर लटका देता है। दामला तड़प रही थी और खलीजा उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, पर यहाँ पर हैतिस अभी भी ब्लैक मैजिक का सारा ब्लेम खलीजा के ऊपर डाल रहा था ताकि वो खलीजा के सामने बुरा ना बने। इसी दौरान दम घुटने की वजह से दामला की मौत हो जाती है। अब सेक्रीफाइस पूरा होते ही जिन्ना का साया उस विलेज से हट जाता है, जिसके बाद में हतीसे को लगता है कि अब वो जिन के हाथों नहीं मरेगा, लेकिन तभी खलीजा एक कुल्हाड़ी से हैतिस के पेट पर वार करके उसकी भी जान ले लेती है। फिर खलीजा अपनी बेटी दामला को हक करके बहुत ही रोती है। वो सालों बाद अपनी बेटी से मिली थी, वो भी कुछ ही पल के लिए। सालों तक उसने उस गलती की सजा भुगती जो कि उसने कभी की नहीं थी। सभी बातों को याद करके खलीजा अपनी बेटी दामला की लाश को अपनी गोद में लेकर विलेज से बाहर जाने लगती है, और उसको जाते हुए उस गांव के सभी फैमिली मेंबर के घोस्ट उसे देख रहे थे। सभी लोग और पूरा के पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ हनीफे और कमाल के बदले की वजह से जिन्ने के हाथों मारे गए थे, और इसी सैड एंडिंग के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हाईलाइट ऑफ फैमिली नाइटमेयर मूवी। इस मूवी के टोटल दो पार्ट है,
तो अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। और अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो मैं इस मूवी को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।